नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए वादों को जमीन पर उतारने के लिए अनोखा प्रयोग शुरू किया है। अब सीएम योगी के सामने 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक सभी विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। बता दें, यूपी में विभागों के प्रेजेंटेशन का आज तीसरा राउंड चलेगा। वहीं कृषि सेक्टर और औद्योगिक एवं अवस्थापना सेक्टर के प्रेजेंटेशन पूरे हो गए हैं। आज सामाजिक विभागों से जुड़े सेक्टरों का प्रेजेंटेशन होना है। इसके साथ ही 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन है। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से ही लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं, और इसी कड़ी में उनका एक जो अनूठा प्रयास है, एक अनूठा प्रयोग है कि किस तरह से जनता के बीच सभी योजनाओं को पहुंचाया जाए और जनता इस सब चीज़ों का लाभ ले पाए, फायदा उठ पाए, और कितनी आसानी से जो सभी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को मिले, इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सभी विभागों की बैठक के बाद से ही एक अनोखा प्रयोग जो सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है वो ये है कि सभी विभाग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। जो उनके रोड मैप है 100 दिनों के, वह रखेंगे। वो 100 दिनों के अंदर वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट सामने लाएंगे और किस तरह से जनता की मदद करेंगे, इसके लिए सभी विभाग के जो मंत्री हैं सब प्रतिबद्ध है। अपने विभागों का प्रेजेंटेशन उन्हें सीएम के सामने देना होगा। साथ ही साथ पहले के 5 साल के कार्यकाल की भी उपलब्धियां उन्हें बतानी होंगी कि पिछले कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां सामने आई हैं। तो एक बेहद ही अनूठा और अलग तरह का प्रयास है प्रदेश की जनता का मदद करने के लिए, प्रदेश की जनता की सहायता करने के लिए। और जितने भी विभाग हैं वो अपने कार्यकाल में एक्टिव रहें और पूरा रोड मैप जो है वो सीएम के सामने रखना होगा कि किस तरह से वो कार्य करेंगे, कितनी नई योजनाएँ लेकर के सामने आएंगे और किस योजना की कितनी लागत है और किस तरह से किस योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। तो संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक जो अनूठा प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है प्रदेश के विभाग का, अब इस जो प्रेजेंटेशन उनका 28 तारीख से आज से चल रहा है, कौन कौन से विभाग के प्रेजेंटेशन अब होने हैं और कौन कौन से हो चुके हैं? प्रेजेंटेशन कई हो चुके हैं और अलग अलग विभाग के, अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है, कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन हो चुका है, उसके अलावा जो आपका ग्रामोद्योग है, उसके अलावा जो MSME विभाग है उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है, और अब 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो तीसरा राउंड है प्रेजेंटेशन का वो शुरू होने वाला है। और आज जो प्रेजेंटेशन होगा, अगर उस प्रेजेंटेशन की बात करें, समाज कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, महिला कल्याण के विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, तो ये तमाम प्रेजेंटेशन आज की जाएंगे। उसके 19 तारीख के हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा पर प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। इसके बाद अगर हम 21 तारीख के प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपका ग्राम विकास पर प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ जो 22 तारीख तो तीसरे राउंड की जो आखिरी तारीख रहेगी प्रेजेंटेशन की, उस पर अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो नगरीय विकास के साथ साथ और तमाम जो बच्चे रहेंगे, जो विभाग रहेंगे, उनका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। करो भैया, अगर बात किया जाए कि जिन विभागों का प्रेजेंटेशन हो चुका है, किस तरह से वो सारे विभाग अब कार्य कर रहे हैं, किस तरह से जमीनी स्तर पर सभी कार्यों को उतारा जा रहा है? देखिए, जमीनी स्तर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी कार्यकाल की शुरुआत की थी तो 25 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम एजेंडे के हिसाब से चलेंगे, और एजेंडे के हिसाब से चलते उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि अब हम 100 दिन का एजेंडा बनाएंगे, उसके बाद 6 महीने का रोडमैप बनाएंगे और 1 साल का रोडमैप बना के इस तरह हम काम करते नजर आएंगे। और खुद उन्होंने कहा था कि जो भी आपकी योजनाएं रहेंगी उसके 15-15 दिन पर जो मंत्री रहेंगे उस विभाग के, वो उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद हर 30 दिन पर समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, इसके बाद उस कार्ययोजना का विस्तार देखा जाएगा और साथ ही साथ फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा जाएगा क्या और बेहतर हो सकता है और क्या किस तरह की योजनाएं और लाई जा सकती हैं। तो इसी कड़ी में काम भी कर रहा है, और निश्चित रूप से जो प्रेजेंटेशन वाली बात मैं आपको बता दूं कि उससे पारदर्शिता भी आएगी, साथ ही साथ जनता को भी देखेगा कि जो अगर हमने दोबारा उनको मौका दिया है तो उस पर बेहतर काम करती सरकार नजर आ रही है, और 100 दिन का जो एजेंडा बनाया है उस एजेंडे के हिसाब से हम काम भी कर पाएंगे, साथ ही साथ प्रगति भी देख पाएंगे, और ये जो प्रणाली रहेगी प्रेजेंटेशन वाली व्यवस्था, उससे जो मंत्री रहेंगे, विभाग के अधिकारी रहेंगे, वो भी सचेत रहेंगे और पारदर्शिता बहुत आएगी, और साथ ही साथ एक क्रमवार समीक्षा होती रहेगी हर काम की योजनाओं की, हर विभाग की योजनाओं की। गौरव, अगर बात किया जाए योगी सरकार 1.0 और योगी सरकार 2.0 में, कितना अलग है योगी सरकार 1.0 से योगी सरकार 2.0?
देखिए तसला मैं आपको बता दूं कि अगर कार्यकाल की बात करें, पिछला कार्यकाल भी उनका बहुत बेहतर रहा है। लगातार जो तरह की योजनाएं थी वो उन्होंने योजनाएं पूरी की, पर चूंकि जिस तरह से जब 2020 की शुरुआत हुई थी और कोरोना महामारी आ गई थी, उस समय प्रदेश में लोगों को बचाना उनकी प्राथमिकता थी। अब मैं आपको खुद बताया था कि योगी खुद संक्रमित होने के बावजूद लगातार टीम 11 उन्होंने बनाई थी, उसके बाद टीम 9 बनाई थी, लगातार वो काम कर रहे थे और कोरोना महामारी के चलते वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि प्रदेश की जनता को बचाया जाए। तो निश्चित रूप से जब कोरोना महामारी जो कि वैश्विक महामारी थी वो फैली हुई थी, तो यहाँ पर जो तमाम तरह की योजनाएं थी वो लंबित हो गई थी, तमाम तरह के जो काम थे वो नहीं हो पाए थे, क्योंकि आर्थिक विकास पे भी सरकार को व्यवस्था बनाए रखना था और साथ ही साथ लोगों को बचाना भी था। तो तमाम तरह के जो कार्यकाल था जो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ था, पर उसकी भरपाई निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने की है और जिस तरह से तमाम योजनाएं चलाई गई थी वो भी पूरी हुई हैं। अब जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तो नए जोश का सरकार शुरू कर रहे हैं। जनता ने तमाम कयासों, तमाम मुफ्त की राजनीति के जो बाड़ों को उनको दरकरार करते हुए उनकी सरकार बनाई है, 37 साल पुराना मिथक तोड़ा है। तो निश्चित रूप से उनकी योजना है वो अलग चल रही है। और जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उन्होंने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के लोगों को एक बड़ा ही सौगात दी थी। उन्होंने कहा था कि जो राशन योजना है मुख्यमंत्री की वो 3 महीने और बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री राशन योजना भी जो है, जो बाद में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था उसी दिन की शाम को कि अब 6 महीने के लिए जो प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना है वो बढ़ाई जाएगी। तो निश्चित रूप से जो दूसरा कार्यकाल है वो ऊर्जा जूस और ऊर्जा बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, बेहतर काम करने हैं, क्योंकि साथ एक यहाँ पर एक जरूरत ये भी है कि 2024 का चुनाव है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि केंद्रीय सरकार की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बेहतर काम को परिणाम जरूर देना है, पर जरूरी है। गर्व अगर बात किया, ये तो बात हो गई सीएम योगी आदित्यनाथ की, बात अगर डिप्टी सीएम की किया जाए बृजेश पाठक की, तो वो काफी एक्शन में दिख रहे हैं, औचक निरीक्षण से लेकर के तमाम योजनाओं पर वो खुद ध्यान दे रहे हैं, तो किस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम जी? डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की बात करें, पिछली सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री थे, उसके बावजूद मैं आपको बता दूं जब कोरोना का समय आया था तब भी उन्होंने अपने घर से बहुत मेहनत की थी, लगातार वो राशन सामग्री बांट रहे थे और लगातार लोगों के इलाज के लिए सक्रिय नजर आए थे। मैं आपको बता दूं तो वो सक्रियता उनकी पहले भी थी, वो आज भी है, पर जब उनको अब चिकित्सा विभाग मिला, चिकित्सा शिक्षा मिला, तो निश्चित रूप से अब उनकी सक्रियता और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से चिकित्सा जो विभाग है जहाँ पर इलाज की बात है, स्वास्थ्य विभाग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी उस वहाँ पर काम करने की जरूरत है और बृजेश पाठक खुद चाहते हैं कि उस विभाग में काम हो, इसके लिए लगातार सक्रिय है और केजीएमसी भी जाते हैं। आप वो बाराबंकी जिला अस्पताल गए थे, वहां पर भी औचक निरीक्षण किया खुद, और इसके अलावा अगर बात करूं कुछ दिन पहले वो केजीएमसी गए थे, वहां पर भी उन्होंने जाकर खुद राज में खड़े हो गए थे, देखा था कैसी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को इलाज मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, फ्यूचर मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक विभागीय मंत्री और साथ साथ डिप्टी सीएम भी हैं और यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी को बृजेश पाठक बखूबी निभा रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह चिकित्सा विभाग को, चिकित्सा शिक्षा को बेहतर किया जाए, ये उनका प्रयास है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस तरह से योगी सरकार 2.0 एक्शन में दिख रही है और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए सभी जो मंत्रालय है उन्हें दिशा निर्देश दिया गया सख्ती के साथ कि उनके जो 100 दिनों के रोडमैप है वो सीएम के सामने रखे कि किस तरह से वो 100 दिनों तक कार्य करेंगे, क्या कुछ योजनाएं वो जमीन पर लेकर के आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार की ओर से विभागीय अफसरों को कड़ाई के साथ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में हो रही बढ़ोतरी का असर NCR के जिलों में खास तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को सामने आए कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर देखी गई इस बढ़त के बाद प्रदेश सरकार ने NCR के जिलों के साथ राजधानी लखनऊ में मास्क को अनिवार्य करने का फैसला किया है। बता दें कि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर सहित 7 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी से सरकार जो कुछ जरूरी कदम है वो उठा रही है, जरूरी जो दिशा निर्देश है उसे दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना बढ़ने ना पाए, अगली लहर जो है कोरोना की वो ना आए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही इस वक्त लोगों के मन में है कि क्या कोरोना की कहर एक बार फिर से लोगों पर बरपेगी, लोग एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आएंगे। लोगों की जिंदगी बदहाल हो गई थी कोरोना में और उसका डर हर किसी को सता रहा है। संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से अब कुछ केसेस सामने आए हैं और जरूरी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, किन किन जिलों में कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें वहां पर मास्किंग अनिवार्य किया गया है? कोविड केसों को देखते हुए
आज कोविड प्रबंधन टीम जो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे चलती है टीम नाइन, उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर से सटे और एवं राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों को तो इन जगहों पे जो मास्क और 2 गज दूरी की थी उसको पूरी ढिलाई जहां बरती जा रही थी उसको पूरे सख्ती के साथ पालन कराया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विगत 24 घंटे में लगभग 600 से अधिक केस आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ में राम मनोहर लॉ यूनिवर्सिटी में 10 केस आए हैं, जिसके बाद लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र परीक्षा को बहिष्कार करके अपने बचाव में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें त्रिशला की मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों ने कोविड के टीके नहीं लगवाए हैं उनको चिन्हित करके टीके लगाए जाए। साथ ही साथ बूस्टर डोज को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है, इसमें तेजी लाने जा रही है कि हर एक आदमी को जो तीसरी डोज जिसे बूस्टर डोज कह रहा है वो लगाया जाए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और एनसीआर के सटे बात की जाए तो गाजियाबाद आपके नोएडा शामली बागपत और लखनऊ समेत 7 जिलों को अलर्ट जारी करते हुए इन जगहों पर जो मास्क लगाने की प्रक्रिया थी उसे फिर से लागू कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी सामाजिक स्थल एवं ऐसे कई दफ्तर या ऐसे कोई स्कूल तमाम जगहों पे मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी विभांशु, बात किया जाए अगर मास्किंग की तो ये गाइडलाइन तो सामने आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से स्कूली और कॉलेजेस के बच्चों में ये कोविड के संक्रमण इस बार देखने को मिल रहे हैं, शुरुआती दौर में स्कूली और कॉलेज के बच्चों में संक्रमण देखने को मिला है, ऐसे में जो बच्चों के बूस्टर डोज है उसको लेकर किस तरह से तेजी से उसको बढ़ाया जा रहा है, तेजी से जो अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी कृष्णा, आपको बता दें कि बच्चों की वैक्सीन जो कि जनवरी 14 के लगभग शुरुआत की गई थी उसमें लगभग 80% डोज लगा दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दोनों डोजों को अगर जोड़ के देखें तो 30 करोड़ से ऊपर टीके लगा दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो पहले ये बूस्टर डोज जो था उसमें चुनाव के दौरान चुनाव कर्मियों को लगाए गए थे, साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, चाहे बात की जाए चिकित्सा विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर या बात की जाए तो यूपी पुलिस, चाहे बात की जाए तो जो दिव्यांग जन थे और जो वृद्ध थे उनको बूस्टर डोज लगाया गया था। उसी क्रम में अब बता दें कि जो बूस्टर डोज है वो आम नागरिकों को भी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं अगर बात करें तो बच्चों की जो वैक्सीन है वो दोनों डोज अभी पहली डोज लगाई गई और दूसरी डोज की शुरुआत हुई है। इस डोज की शुरुआत खत्म होने के बाद तीसरी डोज जो की बूस्टर डोज है वो लगाई जाएगी। और वहीं अगर देखें तो बूस्टर डोज की अगर संख्या की बात करें तो 18 से ऊपर जो वयस्क को लगाना था उसमें अभी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और बात की जाए संख्या की तो ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा है। सरकार को इस पे पूरे मुस्तैदी के साथ जो तीसरा डोज था बूस्टर डोज वो जो वयस्क लोग हैं 18 से ऊपर उनको लगाने की प्रक्रिया तेजी करनी चाहिए। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए हैं और 214 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 1985 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 4,25,10,773 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 11,542 पहुंच गए हैं। वही रिकवरी रेट 98.76% है। रोजाना पॉजिटिव दर 0.83% है। इसके अलावा लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 20% स्टूडेंट की टेस्टिंग में छात्र कोरोना संक्रमित मिले, इसी वजह से आज होने वाली परीक्षाओं का छात्रों ने बहिष्कार किया। थर्ड ईयर के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। कहीं ना कहीं एक जो खौफ है वो लोगों के दिल में समा रहा है। लोगों को इस बात का पूरा खौफ है कि कहीं अगर चौथी लहर आई, अगली लहर आई तो लोगों की जिंदगियां क्या होंगी, किस तरह की त्रासदी लेकर के आएगी है कोरोना की लहर। खौफ और डर के बीच लॉ स्टूडेंट ने, थर्ड ईयर के जो लॉ स्टूडेंट है राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के, उन्होंने एग्जाम का बहिष्कार कर दिया है। बेहद ही डर का माहौल है छात्रों में। खौफ के चक्कर में स्टूडेंट ने
एग्जाम का बहिष्कार किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ करके सामने आता है कि इस बार अगर कोविड की लहर आती है तो हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इसको झेलने के लिए, या फिर जो हमारे देश की शिक्षा है उस पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही बच्चों को अपनी पढ़ाई को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अगर वही अगर बात किया जाए रोजगार की, तो बच्चे ग्रेजुएट होते गए उनके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ करके सामने आता है कि बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ रोजगार दरों में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कुछ असर इस बार अगर कोरोना महामारी आती है तो लोगों पर पड़ेगी। लोगों में खासा डर देखा जा रहा है और यही डर और कहीं ना कहीं यही डर वजह है कि राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से 20% स्टूडेंट की टेस्टिंग में छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, और जिससे डर कर जिसके भय में छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। थर्ड ईयर के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है। वही आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में भी बच्चे संक्रमित पाए गए थे, और संक्रमण के बाद से जो बच्चे हालांकि कांटेक्ट में आए थे उनका टेस्टिंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर बनाए हुए है, टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ के सामने आता है कि किस तरह से इस बार की महामारी से झेला जाएगा, हमारा स्वास्थ्य महकमा क्या तैयार है इस बार की महामारी को झेलने के लिए। और अगर बात किया जाए हॉस्पिटल्स की, क्या हॉस्पिटल्स में इतने बेड इस बार अवेलेबल हो पाएंगे कि जिस तरह पिछली बार लोगों को दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए भागना पड़ा था, इस बार ना भागना पड़े, इस बार लोग अपनों को ना खोए, इस बार वह दर्द वह चीख पुकार देखने को ना मिले। इन सब के बीच सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कोरोना आएगा, कोरोना की अगली लहर आएगी या नहीं आएगी, और अगर आती है तो हम किस तरह से तैयार हैं उससे लड़ने के लिए, कितना कुछ असर देखने को मिलेगा इस बार हमारी जीवन पर। अगर बात आंकड़ों की जाए तो जिस तरह से लोग जितनी ही तेजी के साथ लोग संक्रमित हो रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ रिकवरी रेट भी है। अगर बात किया जाए तो देश भर में अब तक 4,25,00,000, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 4,25,00,000 10,773 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 11,542 पहुंच चुका है, रिकवरी रेट 98.76% है। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव उस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से कोरोना ने त्रासदी मचाई थी, लोग भाग रहे थे अपनों की जान बचाने के लिए, और इस बार जिस तरह से लोगों में फिर से भय है कि कोरोना का अगला लहर ना आए, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है अगर कोरोना की अगली लहर आती है तो उसको झेलने के लिए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर तैयारियों की बात करें, सबसे पहले जो पिछली लहर की बात करें तो सबसे वहाँ कमी पाई गई थी, ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी, और ऑक्सीजन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकारें लगातार काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसकी मेहनत की जा रही है, और एक गवर्नमेंट ने एजेंडा बनाया था तो पिछली योगी सरकार थी जब उनका पहला कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा था कि हम सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, उसके तहत 472 ऑक्सीजन प्लांट को लगाने की बात की गई थी, जिसमें 355 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जिलों में लगाए जा चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जब ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हैं तो जो मरीज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की समस्या होती है तो उससे निजात मिल जाती है और गंभीर बीमारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि जब सबसे बड़ी बात कोरोना बीमारी में यहाँ ये होती है कि कोरोना बीमारी चलते लोगों को सांस में तकलीफ होती है, और सांस में तकलीफ हो पाना और साथ ही साथ इस सांस तकलीफ के साथ जब ब्रीदिंग नहीं हो पाती, सांस ढंग से ले नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन लेवल पीछे चला जाता है, तो निश्चित रूप से मरीज की मौत हो जाती है। और पिछली जो दूसरी लहर थी, तीसरी लहर थी, महामारी में यही देखा गया था, और जिस तरह से अब चौथी लहर की आ रही है और जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में केस लगातार आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 183 केस लाख में आए हैं। पर अगर उत्तर प्रदेश के साथ एक बात और हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 करोड़ लोगों का
वैक्सीनेशन हो चुका है और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज है उसकी तैयारी हो रही है, बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में देखा गया था कि कोरोना वैक्सीन कोरोना को रोकने में बहुत मददगार है और उसी के चलते जो ओमिक्रॉन लहर आई थी उसका बहुत खास प्रभाव नहीं पड़ा था और जो मृत्यु दर थी बहुत ज्यादा नहीं गई थी इस ओमिक्रॉन की लहर में। फिर उससे जो चौथी लहर आ रही है, हालांकि BA.2 है ओमिक्रॉन के साथ आ रही है, अब क्या कंडीशन दिखती है, कैसा इसका लक्षण होते हैं, कैसे मृत्यु दर क्या होती है, इसमें वो तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। पर निश्चित रूप से जो तैयारियां हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की हो गई, चाहे हॉस्पिटल की हो गई, और हम देख रहे हैं लगातार प्रदेश सरकार के जो लोग मंत्री हैं, जो लोग हैं, जो विभाग के प्रभारी अधिकारी, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज का अभियान चल रहा है वो भी आने वाले समय में कोरोना की चौथी लहर से लड़ने में काम आएगा। गौरव, अभी ताजा अपडेट सामने आई है निकलकर लखनऊ से। राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं जो 20% स्टूडेंट की इसमें टेस्टिंग भी हुई है वो संक्रमित मिले हैं, जिसकी वजह से जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। और कुछ ही दिनों पहले गौरव, अभी गाजियाबाद नोएडा के स्कूलों में भी कई छोटे बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में कई लहर बच्चों को ज्यादा टारगेट करेगी, इस बार जो वायरस आ रहा है वो बच्चों को ज्यादा टारगेट करेगा। नहीं, वायरस को लेकर कुछ कह नहीं जा सकता है, क्योंकि वायरस की अगर हम क्षमताओं की बात करें तो पिछली बार भी बात की गई थी बच्चों को टारगेट करेगी और पहली लहर में कहा गया बच्चों को टारगेट, पर बच्चों को यहाँ टारगेट नहीं कर पाए। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि कई बुजुर्ग ऐसे रहे जिनको दूसरी और तीसरी लहर में कुछ नहीं हुआ और कई मानस ऐसे रहे जो कि अधर्म मौत को चले गए। मैं आपको बताऊँ अगर तीसरी लहर की बात करूँ तो तीसरी लहर में लगभग 30 साल से लेकर 45 साल के बाद लोगों की जान जा रहा है कि बच्चों को टारगेट नहीं कर पाए। ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर थी उसमें आपको बताऊँ उसमें भी लोग जो बच्चे थे उनकी संक्रमण की बात की कही जा रही थी और बच्चे उतने ज्यादा संक्रमित नहीं हुए जितनी उम्मीद की जा रही थी। निश्चित रूप से अब कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, बच्चे टारगेट करते हैं या जो बुजुर्ग है उनको टारगेट होता है, तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहा नहीं जाता है किस स्वरूप में आता है, किस लक्षणों के साथ में आता है और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है आने वाले समय में कोरोना की चौथी लहर में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है और आने वाले समय में कौन इससे संक्रमित होगा, कैसे बचाव के लिए सरकार अपने काम कर रही है, साथ ही साथ जो जनमानस है उसको भी मास्क लगा के रखना पड़ेगा, सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन भी करना पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। वही लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है, उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं और लखीमपुर में जो किसान पर गाड़ी चलाई गई थी, बनवीरपुर में जो तिकुनिया हिंसा कांड हुआ था उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था। मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का बयान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की बात सुनी नहीं गई। ये जो बड़ा अहम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है और एक बड़ी बात और एक बड़ा पहलू भी निकल करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। कहीं ना कहीं ये लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि पीड़ित पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके मद्देनजर जो आरोपी हैं, जो आशीष मिश्र टेनी है जिन पर यह आरोप लगा है उनको बड़ा झटका लगा है और उन्हें सरेंडर करने को कह दिया गया है। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी उनकी जमानत खारिज कर दी गई। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या फैसला सामने आता है और किस तरह की जांच निकल करके आती है और जो किसान है बनवीरपुर तिकुनिया हिंसा कांड के उनको कितनी उम्मीदें रहेंगी अब न्याय की। संवाददाता धीरज तिवारी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो पीड़ित पक्ष है उसका ध्यान नहीं रखा, किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं और इससे जो लखीमपुर के किसान है जो हिंसा का शिकार हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? अब देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर तिकुनिया कांड जो बनवीरपुर कांड हुआ था, जो बहुत बिल्कुल पूरी तरह का जो पीड़ित एक नहीं, ये हिंसक घटना थी, एक नहीं दो नहीं 8 मौतें हुई थी इस घटना में। तो उसके बाद में जो मामला जो है जांच में पहुंचा, उसके बाद में जो है हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी थी उसको चैलेंज करते हुए जो पीड़ित पक्ष के वकील थे, पीड़ित पक्ष जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जमानत को जो चैलेंज किया था। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है की 4 तारीख को जो सुनवाई की थी, उसके बाद में आज
आज फैसला जो भी सुरक्षित रखा गया, आज वो जो फिर से फैसला है तो उसमें जो जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के बाद जो है आशीष मिश्रा को सिलेंडर करने के लिए बोला गया है। जी, वही अगर बहुत स्थानीय लोगों की करें धीरज, जो इस हिंसा का शिकार हुए हैं, जिन परिवार वालों ने अपनों को खोया इस हिंसा में, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है जो आज उनकी जमानत जी धीरज, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पे क्या कुछ कहना है उस परिवार का जिनके लोग इस हिंसा का शिकार हुए हैं? बिल्कुल, जो परिवार वाले हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनका आज जो फैसला आया उससे वो उनमें एक आस जगी हुई है कि कहीं ना कहीं से जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द करते हुए ने 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने को, उस पर जो है आज पीड़ित जो परिवार है वो कहीं ना कहीं अपने आप को न्यायपूर्ण महसूस करते हुए, और एक जो सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से उन्होंने आस एक रखी हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है न्याय करेगी, उसी आस के साथ आज जो है उनकी मनोकामना जो पूरी हुई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द की है जमानत उसको जो देखते हुए आज जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन्होंने अपनी जो आस लगा रखी थी वो आस पूरी हुई है, तो कहीं ना कहीं से उनको जो आज उनको जो सहानुभूति मिली है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।